बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर का हम लोग आज मैथ का सॉल्यूशन जानने वाले हैं। बता दें कि आपको 50 तक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बताए थे, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप उस क्लास को कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, मैं बता दूं कि आज के क्लास में हम आपको 51 से बिल्कुल समझाते हुए चलेंगे, तो सारे क्वेश्चन को आपको देख लेना है। बता दें कि ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है मॉडल पेपर है, तो अर्थात ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 51 से ऊपर क्वेश्चन क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन 51 के बाद ऐसा है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फाइनल एग्जाम में बिल्कुल तरह से पूछा ही जाएगा, यानी काफी इंपॉर्टेंट है जो हम देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन का, जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा। यदि आपने पिछले वीडियो में आप देखे हैं, अगर क्लास किए हैं, तो आप इसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, तो प्रति यानी तुरंत आप इस क्वेश्चन को जवाब हमारे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं 51 नंबर सवाल की, और 51 नंबर सवाल आपके सामने है जिसका आंसर आपको क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, 51 नंबर सवाल आपको कहा जा रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बराबर क्या होता है। तो आपको याद रखना है sec स्क्वायर 60 डिग्री का मान, यानी sec 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 2, अर्थात 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग को यहां पर 4 हो जाएगा, बाकी यहां पर माइनस करेंगे क्योंकि sec स्क्वायर है। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, अब √3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहां पे रूट खत्म हो जाएगा, अर्थात आपका रूट जो है यहां पे बिल्कुल खत्म होकर सीधे आपका 3 आ जाएगा, प्लस आपका 1 है, और 4 में से 3 घटाएंगे आपका 1 बचेगा, प्लस 1 अर्थात 2। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी होगा। यदि आप नहीं समझे, थोड़ा सा यहां पर 2 सेकंड वीडियो को बैक करके और समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से यहां पर हमने समझा चुके हैं। चलिए आपका 52 नंबर सवाल यहां पर कहता है कि cot 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है। बिल्कुल तरह से आपका सूत्र पूछा गया है और बिल्कुल तरह से आपके क्लास से ये क्वेश्चन है जो कि हमने आपको बता चुके हैं। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका tan a हो जाएगा, अर्थात tan a बराबर cot 90 डिग्री माइनस 1 हो जाएगा, यानी a हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर d जो है 100% सही है। मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आपको यहां पर दिया जा रहा है हमारे द्वारा, वो सारे के सारे सवाल बिल्कुल 100% सही होगा, एक भी क्वेश्चन आपको रॉन्ग यहां से नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। चलिए आपका 53 नंबर सवाल है, तो 2 tan 3 डिग्री बट्टे 1 plus tan² 30 डिग्री का मान क्या होता है। यहाँ पे देखिए आपको क्या होता है, यहाँ पे आपको 30 डिग्री दिया था जो कि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। तो 53 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, साइन 60 डिग्री होगा, ये आपका 8 3 से है। यहाँ पर 2 गुने का आप यहाँ पर 10 30 डिग्री का वैल्यू आपका होता है √3 होता है, साथ ही आप बट्टे कर सकते हैं 1 plus tan² 30 का मान, यानी 10 30 का मान 1 बट्टे √3 होता है। तो आप ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ से देने के बाद आपका जो आंसर निकल के आएगा 60 डिग्री का वैल्यू, अर्थात आपका √3/2 आंसर निकल के आएगा, जो कि आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, हम आपको सॉल्व करने में आपका काफ़ी टाइम लैप्स होगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। चलिए अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके आपको भेज सकते हैं। यदि 1 6 मीटर ऊँचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, यदि 6 मीटर ऊँचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, यानी उसका छाया जो है इतना लंबी है, तो हो तो सूर्य का उन्नयन कोण उसके साथ कितना डिग्री का बन जाएगा। तो आपका 54 का आंसर होगा, वो 7 डिग्री का एंगल बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100% सही आंसर है। चलिए आपका 55 नंबर सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है, 55 नंबर सवाल है कि किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी, यानी क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहां पे आपका 55 नंबर का आंसर हो जाएगा सी 5√3 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल तरह से 100% सही आंसर है। चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पर 56 नंबर है, निर्देशांक अक्षों को प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। हमने सारे क्लास को यानी सारे क्वेश्चन को क्लास में आपको समझा बुझा के बता चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें, ताकि हम अगले वीडियो में आपको समझा दें। वैसे आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। सो आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं, आप जल्द से इस क्लास को जरूर अच्छी तरह से करके ही रखिएगा।
तो चलिए आपका 56 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है वो हो जाता है आपका सी, यानी मूल बिंदु कहा जाता है, प्रतिच्छेदन बिंदु, यानी जहाँ पे वो एक दूसरे को काटता है इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु बिंदु का निर्देशांक आपको याद रखना है 0 0 होता है। चलिए ये सवाल आपको याद रखना है कि -6 और -8 किस पद में है, तो आपको ऐसे करना है, इसमें आपका प्लस प्लस होता है जो कि प्रथम पद होता है, दूसरा पद में आपको होता है यहाँ पे प्लस माइनस होता है, और यहाँ पे आपका माइनस माइनस होता है, यहाँ प्लस माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा वाला होता है आपका माइनस प्लस होता है, ठीक है ना, इसमें माइनस और उसके बाद प्लस होता है, अर्थात आपका तीसरा पद हो जाएगा तृतीय पद। राइट आंसर सी, 101% सही आंसर, एक भी क्वेश्चन गलत यहाँ से नहीं मिलेगा। मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से आपको पी साइन थीटा कॉस थीटा की दूरी क्या हो जाएगा, तो 58 नंबर का आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 इकाई हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी 100 में 100% सही है आंसर, कहीं से आपको क्वेश्चन गलत नहीं मिलेगा। बिंदु आर एक एक और एस माइनस वन पाँच के बीच की दूरी क्या है, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आराम से आपका आंसर यहाँ पर निकल के जो आएगा यहाँ पर आपका सी आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल तरह से सही है। चलिए 60 नंबर सवाल आपका है, रेखा वाई बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी, तो आपका 60 का आंसर हो जाएगा वो होगा रेखा आपका डी हो जाएगा, जिस बिंदु से होकर वो नहीं गुजरेगा। चलिए आपका सवाल यहाँ पर 61 नंबर स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में कौन सा बिंदु आपका है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 61 का हो जाएगा 10 और 4। 61 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि बिल्कुल तरह से सही है। चलिए आपका 62 नंबर यहाँ पर सवाल आ रहा है कि बिंदु ए 5 6 और वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, वाई अक्ष से लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, तो 62 का आंसर आपका होगा ए 5 1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल तरह से करेक्ट आंसर है। चलिए आपका 63 नंबर सवाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिंदु M -2 और 10 और N -8 और 14 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, तो 63 का जो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा वो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, कि राइट आंसर बिल्कुल तरह से सही है। चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पे आ रहा है 64 नंबर, हम सारे सवाल को समझा चुके हैं इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों को निर्देशांक इतना इतना है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 64 का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी 0 0 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 नंबर सवाल है कि बिंदु इतना इतना के समदूरस्थ है तो पी का मान क्या होगा, बिंदु 3 4 बी में है, पी 1 का मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो पी का मान आपका क्या हो जाएगा, तो 65 का जो आंसर आपका हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन होगा +2 -2√6, राइट आंसर यानी +-2 और उसके बाद √6। चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पर 66 नंबर निकल के आ रहा है, 66 नंबर कहता है बिंदु ए 0 8 बी में 6 12 और सी में -16 और -4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये निर्देशांक वाले चैप्टर से है, तो 66 का जो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 4 वर्ग इकाई ही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पे आता है 67 नंबर कि ए बिंदु यानी बिंदु ए पर 4 और -3 बी बिंदु पर 9 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु वाई का निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल तरह से फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट बैठा करके बताया गया है, तो आपका यहाँ पर 67 नंबर का जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल तरह से सही आंसर है। चलिए 68 नंबर सवाल आपका पूछा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण A प्लस कोण C बराबर 120 डिग्री है तो कोण B का मान क्या होगा, तो आपको 120 को 180 में से घटाना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 होता है, घटाने के बाद जो आपका कोण बच जाएगा वो कोण आपका यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, अर्थात आपका B ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए जो शॉर्टकट में बनने वाला है हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन पर हम डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। चलिए आपका यहाँ पर सवाल नंबर कितना था जी, यहाँ पर थोड़ा वेट कीजिएगा आप लोग। चलिए 69 नंबर सवाल आपका यहाँ पे आ चुका है, चलिए 69 नंबर सवाल आपको कहा जा रहा है, सवाल का कहना है कि यदि त्रिभुज ABC बराबर तथा त्रिभुज DEF में AB/D और BC/FD है तो ये समरूप होंगे जब इसका क्या होगा, यानी कोण भी इसका बराबर होना चाहिए, तो वो कोण दोनों जो हो जाएगा आपका कोण B बराबर कोण D हो जाएगा, राइट आंसर आपका D ऑप्शन। चलिए 70 नंबर सवाल है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है तो BC/QR यानी 1/5 है तो एरिया ऑफ PQR बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर व्हाट, यानी बट क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो
पाँच का करेंगे तो 5 6 25 अर्थात 70 का आंसर होगा आपका डी, बिल्कुल सही है। 1 के स्क्वायर 1 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए 71 नंबर सवाल है कि 10 90 डिग्री माइनस ए बराबर होगा आपका कॉट ए, बिल्कुल सही है आपका, सॉरी आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 72 नंबर सवाल है कि दी गई आकृति में डी ई समांतर बी सी है, यदि ए डी का मान, यानी ए डी का मान आपको कहता है 5 है और डी बी आपका 6 है, ए ई आपका 8 है, तो ई सी का मान आपको निकालना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ए डी बट्टा आपको डी बी लगाना है, बराबर आपको कीजिएगा ए ई बटे, यानी थेल्स प्रमेय पर क्वेश्चन है, इसके बट्टे यानी 5/6 बराबर 8/ आपको यहाँ पे देना है ई सी, यानी ई सी, और काट दीजिएगा तो कौन मा को गुने करके आपको काट देना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5/6, अरे 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 देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का, आप क्या करना है 5/ यहाँ पर 6 देना है, 5/6 और 8/ ई सी देना है, बस आपका आंसर निकल गया आ जाएगा, बराबर आपका 8/ ई सी होगा, बस इसको आपको काट खोट करने के बाद आपके सामने जो है आंसर यहाँ पर निकल जाएगा, यानी क्रॉस कर देना है, 48 कर दीजिएगा, 48/ यहाँ पर 6 कर देंगे, अर्थात 6 कर देंगे तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, तो चलिए असल यहाँ पे 5 कर देंगे, तो 5 करेंगे तो आपका यहाँ पर निकल के जब आएगा 9.6 आंसर आएगा, 72 का सी होगा। हमने काफ़ी इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिया, बहुत टाइम आपका ले लिए, चलिए 73 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए 73 नंबर सवाल आपका यहाँ पर, दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने ये बात कहा था, चलिए किसने कहा था, बहुत वीवीआई सवाल है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको आपको याद कर लेना है, अर्थात ये बात थेल्स जी ने बोले थे, राइट आंसर 73 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए आपका 74 नंबर, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आपके सामने 1 2 और 3 है ऑप्शन, तो आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 74 नंबर सवाल है, 74 नंबर सवाल है कि एक वृत्त के बाहर बिंदु से हम लोग केवल व केवल 2 ही खींच सकते हैं, मान लीजिए ये वृत्त है, इसके बाहर बिंदु से हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। चलिए तो आप यहाँ पर 74 का आपका बी हो गया। 75 नंबर है, दी गई आकृति में पी ए तथा पी बी बराबर 2 स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि ए पी बराबर इतना है, तो ओ ए बी बराबर कोण क्या बना देगा, बहुत इजी सवाल है, 75 का भी आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, 40 डिग्री ही बना देगा। चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पे आ रहा है 76 नंबर, यदि दी गई आकृति में ओ क्यू ओ आर वृत्त का व्यास तथा पी क्यू बराबर पी आर है, तो पी क्यू आर का मान क्या हो जाएगा, अर्थात पी क्यू आर आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं पी क्यू आर आपका क्या होगा, तो 76 नंबर का आंसर होगा सी, ये 45 डिग्री का मान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका 77 नंबर है, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी बराबर ए सी 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि बी ओ सी 110 है, तो सी ए ओ का मान क्या होगा, तो चलिए बी ओ सी 110 है, आपको पता है पूरा जो होता है 180 होता है, बस आपको वही काम करना है जो कि आपको हमने बता दिया है, तो 77 नंबर का आंसर आपका सी होगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर 35, चूँकि यहाँ पर सी ई ओ का जो मान होगा 35 होगा, साथ में आपका 70 जो बच जाता है, 180 में से 110 घटाएंगे 70 का आधा कर देंगे 135 आपका आंसर निकल के आएगा। चलिए आपका 78 नंबर सवाल है कि बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त का त्रिज्या जो हो जाएगा आपका यहाँ पे डी होगा, अर्थात 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आ रहा है आपका, आपका यहाँ पर है 79 नंबर सवाल है, दी गई आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त पर, यानी आपका ओ वृत्त के केंद्र तथा क्यू पी आर 60 डिग्री है, तो ओ क्यू आर का मान क्या होगा, तो 79 नंबर सवाल का जो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, उस सवाल का आंसर होगा आपका 30 डिग्री, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए आपका 80 नंबर सवाल है, आंकड़े इतना इतना का परिसर क्या होगा, तो परिसर निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, परिसर निकालने के लिए आपको सबसे बड़का अंक चुनना है, तो जो कि आपको यहाँ पर 84 सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा है, तो 84 में से आपको सबसे छोटा संख्या इसमें से घटाना है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें आपको 15 है, 15 को घटाने के बाद जब आपके आंसर निकल के आएगा 80 का, वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना है। चलिए एक आसन नंबर सवाल है, यदि एक दो तीन डॉट डॉट एन का समांतर माध्य है तो इसका फॉर्मूला एक होता है तो वो सूत्र क्या होता है। तो 81 नंबर का जो सूत्र वो हो जाएगा आपका सूत्र होगा सी एन प्लस वन बटे टू, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आपका 82 नंबर सवाल कहता है यदि तीन माध्य बराबर बहुलक प्लस एक्स माध्य है तो एक्स का मान क्या होगा। चलिए एक्स माध्य है यानी आपका माध्य के जगह पे आपको क्या लिखना है, तो 82 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी यानी दो माध्य लिखना, तो यहाँ पर आपको दो लिखना चाहिए था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आपका 83 नंबर है प्रेक्षण इतना इतना का बहुलक क्या होगा। बहुलक के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, बहुलक निकाल कर इसमें से जो संख्या आपको सबसे अधिक बार दिख रहा होगा वही आपका बहुलक होगा। यहाँ पर 11 आप दो बार देख रहे हैं जबकि 13 आपको यहाँ पर 13 और 13 तीन बार देखिए अर्थात आपका आंसर सी होगा 13। चलिए अगला सवाल आपका है 84 नंबर, यदि 7, 9, 13, 15 एक्स का माध्य 10 हो तो एक्स का मान क्या हो जाएगा। तो 84 का आंसर हो जाएगा ए 6 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 85 नंबर सवाल आपके सामने में है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान हमेशा याद रखिएगा एक हो सकता है, माइनस वाला कभी भी नहीं होगा और एक से अधिक दो तीन आर भी नहीं हो सकता है, अर्थात अधिकतम मान की प्रायिकता एक ही होता है। चलिए 86 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो वो माइनस वाला इसमें से चुनिए, माइनस वाला इसमें नहीं है तो आपको भाग वाला बट्टा वाला है, तो ऐसा देखिए जो कि भाग देने के बाद आपको एक से ही कम ही आएगा, एक से अधिक नहीं जाएगा। तो 4 से 3 में भाग देंगे तो यहाँ पर क्या होगा 0.0 आपका हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो यानी 7, 0.7 हो जाएगा, अर्थात 86 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी होगा, इसमें भाग देंगे तो 12 एकम 12 लेकिन 1.0 कुछ कुछ आ जाएगा वो भी गलती हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी यानी डी जो है प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकता है। चलिए 87 नंबर, एक न्याय संगत पासा फेंका गया है तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या हो सकता है। 2 से गुना वाला होने वाला पासा मतलब होता है छक्का गोटी, तो 2 से आ सकता है 4 या फिर 6 यानी आपको 2 ऐसा संख्या है जो कि आ सकता है। तो 87 का जो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा यानी 2/6 का 2 एकम 2 और 2 3 6 या सॉरी 4 2 एकम 2 2 3 4 अर्थात 1/2 आंसर होगा। 87 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए आपका 88 नंबर सवाल है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदादृक्षया निकाला जाता है तो इसका लाल रंग के पत्ते होने की प्रायिकता क्या है। तो लाल रंग कितना पत्ता होता है उसमें से गिन लेना है आपको, उसके बट्टे में आपको 52 देना है क्योंकि एक पत्ते में 52 कुल होते हैं पत्तों की संख्या। तो आपका आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन है ही नहीं, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आपका 89 नंबर, 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 2 सिक्का में 2 शीर्ष हो सकता है, टोटल 4 भाग है, 2 एकम 2 2 2 4 अर्थात 1/2 वाला आंसर होगा, अर्थात 79 का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सो क्या हो जाएगा 3/4। यहाँ पर देखिए 2 न्याय संगत सिक्के को छाला जाता है कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता यानी एक सीधा आने का, सीधा आने की प्रायिकता सही है 3/4 आपका हो जाएगा, 3/4 डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 90 नंबर सवाल आपका यहाँ पे आ रहा है कि 3 सिक्के को उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या हो सकता है। यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा। तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 8 हो जाएगा। चलिए आपका 91 नंबर सवाल है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, डी आंसर 128 सेंटीमीटर। चलिए आपका 92 नंबर सवाल है कि 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात आपस में इतना है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। बहुत आसान है, सिंपल बात कर दीजिए वही बात, 4 चौक 16 और 5 25, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है 93 नंबर सवाल है आपका कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगा। तो 93 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका 94 नंबर है, यदि R1 तथा R2 दो त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है तो क्या मान हो जाएगा। यार बहुत आसान सवाल है, हम सारे सवाल आपको बता चुके हैं इसलिए हम डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन आपको बताए हैं कि वो सब भी आए क्वेश्चन 94 का भी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बता दें कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बिल्कुल तरह से मिल जाएगा। वैसे मेरा आउट प्लस गैस क्वेश्चन आपको लेने के लिए 500 पर सब्जेक्ट आपको लगेगा, जो बात है हम खुलकर बोले, अगर लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, वो आपको पर्सनल मिलेगा, लिखा रहेगा 100% मिलेगा, नहीं मिले पर आपका पेमेंट वापस कर दिया जाएगा डबल करके। चलिए तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइएगा, 95 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27 गुना, राइट आंसर ऑप्शन डी।
चलिए 96वें नंबर सवाल है आपका कि अर्थ त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो गोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है, अर्थात 96 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए अर्धगोला है तो अर्धगोला का 3πr² होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी अर्धगोला कहा जा रहा है। फिर शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा, शंकु अर्थात छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, तो 97 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1/3πh(r²+r²+ कैपिटल आर स्मॉल आर। चलिए 98वें नंबर सवाल है, उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा जिसमें ए 18 ए 14 और बराबर 32, यानी 98वें नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी अर्थात 8 हो जाएगा, बिल्कुल तरह से सही है। चलिए 99वें नंबर सवाल है, गोला का व्यास इतना सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। 99वें नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए आपका 100 नंबर अर्थात लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। सवाल अंदर से खखोस के पूछा गया, अर्थात इसका डी आंसर होगा 396 सेंटीमीटर की हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको काफी धरफड़ के साथ आपको यहां तक सवाल बता दिए हैं, तो काफी सवाल यहां पे हमने बता चुके हैं, यानी आपको 100 तक बता दिए। यदि आपको इसमें कोई सवाल बच गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम अगर आप सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो वो भी आप बताइएगा, हम सारे सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन आपको दे देंगे इस मॉडल पेपर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद आप इतना कीमती समय देने के लिए। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ वीडियो।